निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सराज के छतरी में लवी मेले में शिरकत की। इस मौके पर जनसभा के दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही नहीं भाजपा में भी षड्यंत्रकारी मौजूद है। आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा के षड्यंत्रकारी जयराम ठाकुर को दिल्ली भेजने की तैयारी कर रहे हैं। सुनने में आया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में मंडी से भाजपा प्रत्याशी जयराम ठाकुर होंगे। बड़ी मुश्किल से जयराम प्रदेश के शीर्ष पर पहुंचे हैं और कुछ नेता अब उन्हें दिल्ली भेज रहे हैं। वहीं जयराम ठाकुर के एक बार दिल्ली जाने के बाद उनके साथी नेता ही उनकी हिमाचल वापसी का रास्ता बंद कर देंगे। चुनाव भी होने जा रहे हैं कुछ समय में, और हालांकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, मगर मैं तो इतना ही कहूंगा, मंडी संसदीय क्षेत्र से ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी है उनको इस बारी यहाँ से टिकट लड़ाया जा रहा है, टिकट दिया जा रहा है भाजपा का। मैं तो यही कहूंगा कि बड़ी मुश्किल से आपके नेता भाजपा के शीर्ष पे पहुंचे हैं, कुछ लोग उनको हिमाचल से दिल्ली भेज रहे हैं। समझदार को इशारा काफी है, दिल्ली में रखना है कि हिमाचल में रखना है, ये निर्णय आप लोगों ने लेना है, ये निर्णय आप लोगों ने लेना है। एक बारी दिल्ली चले गए तो हिमाचल की वापसी फिर उनके ही साथी बंद करवा देंगे, तो ये निर्णय लेना है। और ये निर्णय चुनावों के समय में लिया जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा। मैं कोई ज्यादा लंबी बात चुनावों की नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि ये चुनावी मंच नहीं है, मगर षड्यंत्रकारी कांग्रेस में नहीं है, भाजपा में भी है। और ऐसे षड्यंत्रकारी है जो कुछ षड्यंत्र बुन रहे हैं, तो ये चीजें भी हमको समझनी है। बाकी ज्यादा विक्रमादित्य ने कहा कि आज हिमाचल पर करीब 80,000 करोड़ का ऋण, प्रदेश की आर्थिकी बिल्कुल सही नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं रखेगी, लेकिन इस दौर में फिजूल खर्च को रोकने की जरूरत है। अपना नाम चमकाने और सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए हर तरफ नए भवन खोलना सही बात नहीं है। देश की जो वित्तीय परिस्थिति है आज बहुत अच्छी नहीं है, ये जग जाहिर है, सब लोग इसको जानते हैं कि करीबन 80,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। इसलिए हमें विकास करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर फिजूल खर्ची से भी बचने की आवश्यकता है। केवल जो है सस्ती लोकप्रियता के लिए या केवल अपना नाम बनाने के लिए हर जगह पे नए भवन खोलना, हर जगह पे नए इमारतें बनाना, मैं समझता हूँ कि वो भी ठीक नहीं है। हमें अपने बजट को भी देखना है, अपनी व्यवस्था को भी देखना है और उसके अनुरूप विकास करने की आवश्यकता है। घर में भी जब हम अपने विक्रमादित्य ने कहा कि सराज के साथ उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का गहरा रिश्ता था। उनके पिता वीरभद्र सिंह ने सराज में अथक विकास करवाया और वे भी दलगत राजनीति के ऊपर इस क्षेत्र का विकास करेंगे। पंजाब के सीटीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।